हर हर बूंद पे हर स्वामी हम चात्रिक बिलल बिलाती द लॉर्ड हर हर इज द रेन ड्रॉप आई एम द सॉन्ग बर्ड क्राइंग क्राइंग आउट फॉर इट हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देवो हर निम खाती ओ लॉर्ड गॉड प्लीज ब्लेस मी विद योर मर्सी एंड पो योर नेम इन टू माई माउथ इवन इफ फॉर ओनली एन इंस्टेंट हर बिन रह ना सको एक रात विदाउट द लॉड आई कैन नॉट लिव फॉर इवन अ सेकेंड ज्यो बिन अमले अमली मर जाई है त्यो हर बिन हम मर जाती रहा हो लाइक द एडिक्ट डाईज विदाउट हिज ड्रग आई डाई विदाउट द लॉड ना लेट्स रिलेट दिस विदाउट डे टू डे लाइफ सो दैट वी कैन इम्प्लीमेंटेड टूडे डिज हुक्मनामा हैज़ अ ब्यूटिफुल डिस्टिंक्शन ऑफ वर्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू और इसकी नेचर से बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स दी गई हैं बिकॉज वेन यू कनेक्ट विद नेचर यू अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट योर सेल्फ सो दिस इज अ माइग्रेटरी बर्ड पीड क्रेस्टेड कुकू विच इज अनलाइक एनी अदर क्रीचर ऑन अर्थ ये जो बर्ड है ये सिर्फ रेनड्रॉप्स पीती है रेन का पानी बारिश का पानी पीती है एज इट पोर्स डाउन हाउ एवर थर्स इट मे बी बट इतना पानी है पानी की अबंडेंस है बट ये जो बर्ड है ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स ही पीती है सो इट नोज वाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर हर एंड इट कैन स्टे विदाउट वाटर फॉर क्वाइट सम टाइम बट इसके लिए ये चीज़ सेटल्ड है कि इसको जो है वो रेन ड्रॉप्स ही चाहिए

इज़ नोन इज चकवा एंड फीमेल इज़ नोन एज चकवी इट हैज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इन इंडियन फोक लोर इनको कहते हैं कि एक अपिशाब जिसको बोलते हैं वो मिला था कि आपस में दोनों मिल नहीं सकते बट दे आर लवर्स एंड दे आर सेपरेटिड दोनों रिवर के एक एक शोर में हैं बट दे आर सेटल्ड दैट दे वॉन्ट टू मीट एंड कहते हैं कि ये मॉनफुली एक दूसरे को बुलाते रहते हैं विद द होप दैट दे

वो डेथ पक्की है आफ्टर दिस यू बी एबल टू सर्वाइव दिस मैन सेड ओके अब मैं कभी भी शराब का मुंह नहीं ऑफ कोर्स फॉर फ्यू यर्स उसने नहीं पी शराब ही डिड नॉट कंज्यूम द एल्कोहल बट फिर एक पार्टी में गया और जैसे पार्टी में आप जाओ ना तो जो अल्कोहल ले रहे होते हैं ना लोग वो आपको कभी कभी पेस्टर करते हैं आप भी लो अरे थोड़ा सा तो लो जिंदगी की इन्जॉयमेंट ही ये है अब जिन लोगों के लिए तो सेटल्ड होता है कि नहीं लेनी नो मीन्स नो बट कुछ लोग बातों में आ जाते हैं तो उसके फ्रेंड्स ने भी उसको पेस्टर करके अरे अब तो तुम ठीक हो थोड़ी सी ले लो उसने जो डॉक्टर को वर्ड दिया था उसको तोड़ दिया एंड ही कंज्यूम दैट और एक बार कंज्यूम करी तो उसने अपने आप को पीने से रोक के इतने साल से रखा हुआ था ही स्टार्टेड कंज्यूमिंग ऑल द मोर एंड अल्टीमेटली ही द एंड अब उसके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट शायद थी नहीं उसकी हेल्थ उसके लिए ये चीज सेटल्ड ही नहीं थी कि उसको एल्कोहल नहीं कंज्यूम करनी नो मैटर वॉट फ़िश को ये पता है कि पानी उसके लिए इम्पॉर्टेंट है दिस थिंग इज सेटल्ड फॉर द फिश एक पॉन्ड में सूखा पड़ गया तो जो वाटर एनिमल्स हैं स्नेक फ्रॉग उन सब ने ये डिसाइड करा कि अब हमें यहाँ से आगे जाना चाहिए तो स्नेक फ्रॉग टॉ उन्होंने एक सोचा कि नाउ वी शुड मूव हैड सूखा पड़ गया तो अब यहाँ पे तो सर्वाइवल मुश्किल है फिश सेट आप जाओ बट मेरे लिए तो सेटल्ड है कि मुझे तो पानी चाहिए उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती सो यू मेक अ मूव बिकॉज यू कैन सर्वाइव बट आई कैंट सर्वाइव विदाउट वाटर एंड इट इज सेटल्ड फॉर द फिश दैट वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट सो वी शुड नो वट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अवर सेल्स सो नेचर हैज सम्यूटिफुल एग्जाम्पल्स विद विच वी कैन कनेक्ट न लेट्स मेक डू वन प्रैक्टिस टूडे आज इस चीज को जानिए कि वॉट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू इन लाइफ देखिए देर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड हैप्पीनेस हम यूटिलिटी यु, की आइटम्स तो हमारे पास बहुत है गाड़ी है घर है कपड़े हैं हम इसको कंफ्यूज कर लेते हैं हैप्पीनेस से ये तो यूटिलिटी की आइटम्स है यूज करने की आइटम्स है इसको परचेज कर लो यूज कर लो But what is happiness? Happiness actually lies in what is important for you in life. तो आज जानिए कि बहुत अगर confusion हो रही है, अगर आपको नहीं पता कि क्या जरूरत, आपके लिए क्या important है, उस चीज को जानिए। Try to give a thought today that what is important for you and even if you know that what is important for you and you had not been taking the action, तो आज उसके बारे में कुछ सोचिए और एक्शन ले लीजिए तो आज ये असाइनमेंट कीजिए कि जानिए आस्क योर सेल्फ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड गेट क्लियर गेट सॉर्टेड आउट तो इस चीज को करिए देन लेट मी नो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टेक केयर बाय बायुरु